पड़ोसियों का एवरेज जो होगा, अगर वो पड़ोसियों का एवरेज 20,000 लीटर महीने से कम है, तो उनका भी जीरो बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका भी 5-7 साल का सारा पानी का बिल जीरो हो जाएगा। इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए, दिल्ली जल बोर्ड ने ये स्कीम पास कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को ये स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट ने पास करनी है। बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी। बीजेपी वालों ने ये स्कीम एलजी को कह के रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई है, अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, अतीश ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में? कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जैसे जेल में है, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के एक झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल देंगे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों का धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है, उसको उसका साथ देना चाहिए।